हे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं फिर एक नया जॉब अपडेट लेके आपके सामने हाजिर हूँ, जिसमें मैं आज बात करेंगे एलएनटी कंस्ट्रक्शन की। एलएनटी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड फैक्ट्री, एलएनटी काफी सारा जो भी सब्सिडरी है उसी में आता है एलएनटी बिल्डिंग एंड फैक्ट्री। ये बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में वैकेंसी आई है सिविल इंजीनियर की। इसमें एक्चुअली सिविल इंजीनियर की काफी सारा वैकेंसी है। इसमें जो भी एलएनटी पोस्ट निकालते हैं उसमें काफी सारा पोस्ट निकालते हैं। एक्चुअली पूरा प्रोजेक्ट के लिए वन टाइम हायरिंग करती है, जो इसमें हायरिंग आता है वन टाइम में सारा करती है। वैसे तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, एलएनटी कंपनी का आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारा होता है पोजिशन के लिए। जो भी इसमें अगर आपके पास मैक्सिमम जो भी बिल्डिंग हाई राइज बिल्डिंग के लिए लोग जिसका होता है एक फैक्ट्री है उससे रिलेटेड ये लोग क्या रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। चलिए पोजिशन की बात कर लेते हैं। इसमें अभी आप देख पाए हैं प्लानिंग इंजीनियर की वैकेंसी आई है, इसमें प्लानिंग इंजीनियर मैनेजर। एक्चुअली लोग पोस्टिंग लिखता है उसमें इंजीनियर और प्लस मैनेजर दोनों एक साथ करते हैं। इनका जो भी रिक्रूटमेंट होता है वो एक्चुअली हर चीज़ का एक्सप्लेन नहीं करता, लोग थोड़ा सा मैं सकते हैं। प्लानिंग इंजीनियर मैनेजर इसमें जो उनका एक्सपीरियंस है 15 से 18 के बीच में होना चाहिए। इसका जैसे एक्सपीरियंस उसके हिसाब से लोग पोस्ट उसको अलॉट कर देते हैं। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है अगर प्लानिंग से रिलेटेड, प्लानिंग से डिटेलिंग एंड क्वान्टिटी सर्वे एक्सेट्रा जो भी वर्क होता है प्लानिंग में, अगर आपने काम किया तो यहाँ पे एलिजिबल आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियर। इसमें सिविल इंजीनियर एंड मैनेजर दोनों का पोस्ट है। जो एक्सपीरियंस मांगा 5 से 20 ईयर का, इसमें फुल टाइम डिप्लोमा एंड डिग्री अगर आपने किया तो यहाँ पे कर सकते हैं। फुल टाइम डिप्लोमा एंड डिग्री क्योंकि डिस्टेंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें जो भी इनका वर्क रहेगा लोगों ने थोड़ा सा वर्क का जो भी डिटेलिंग है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है 2-3 पॉइंट में, अगर आप इस पर ऐसे थोड़ा सा मैनेज करें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियर जो भी एंड मैनेजर मैकेनिकल बोलता है, जो भी फेब्रिकेशन से रिलेटेड वर्क होगा वो सारे वर्क का इन लोगों ने बताया। थोड़ा सा MEC करके लिख दिया हो तो आप समझ पाएंगे। जो भी मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियर जो भी अच्छे आप जो भी फेब्रिकेशन से रिलेटेड जो भी वर्क कर सकते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्री कास्ट एंड इंजीनियर एंड मैनेजर। सेम ऐसे जो भी हमारा बिल्डिंग में प्री कास्ट बनता है, ड्रेनेज सिस्टम लो हो चाहे कुछ भी हो सकता है उससे रिलेटेड, वहाँ पर डिपेंड करता है सचिन कंडीशन के हिसाब से क्या क्या कंसल्टेंट का उस हिसाब से प्री कास्ट है। प्री कास्ट में काम किया तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म वर्क इंजीनियर। ये फॉर्म वर्क इंजीनियर मैक्सिमम आपको बड़ी कंपनी में मिलता है फॉर्म वर्क इंजीनियर, सेम उसका भी रिक्वायरमेंट है फॉर्म वर्क का। बाकी हर जगह फॉर्म वर्क का कोई अलग से नहीं रहता है, आपको अलग से मिलता है आपको फॉर्म इंजीनियर जो भी आपका होमवर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिबार है, रिबार इंजीनियर मैनेजर। ये दोनों पोस्ट एक साथ इन लोगों ने दिया, रिबार का भी और मैनेजर का भी। तो आसानी समझ लगा कि मैनेजर का पोस्ट नहीं है, सब इसमें असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर ने जो भी इनका लेवल होगा उस हिसाब से लोगों ने सारा कुछ टाइम में कर दिया। तो जो भी आपको रिबारिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसमें कर सकते हैं। बार बनने से डील अच्छे से आ रहा है, आप कटिंग जो भी इसका वर्क होता है करवा सकते हैं। जो भी है मैकेनिक से जो तो आप रिबार इंजीनियर पर कर सकते हैं, मतलब इन्फोर्समेंट जो भी BBS इंजीनियर बोलते हैं एक्चुअली कई जगह यहाँ पे रिबार बोलते हैं। ये BBS इंजीनियर जो भी इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हुआ होगा वो इसके अंदर। नेक्स्ट सेफ्टी से रिलेटेड जो भी HS ऑफिसर होने और आपके पास उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमारा ये पोस्ट मैंने बताया आपको, ये सारे पोस्ट में क्या है 5 से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो इसमें QC के लिए वैकेंसी आई है, जो डिप्लोमा एंड डिग्री कोई भी हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इसके बाद जो भी मटेरियल के इनकमिंग आउटपुट जो भी वर्क रिलेटेड वर्क होता है सारा माउंटेन सेटिंग सेटअप माउंटेन लैब परफॉर्मेंस ऑडिट एज पर एलडी में तो काफ़ी सारा इंटरनल ऑडिट होता है सेफ्टी क्वालिटी का, उन लोगों ने पहले आपको बता दिया सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन जो पेंडल डिपार्टमेंट होता है उसमें और जो भी रहता है पेंडल में से मैचिंग प्लांट ऑपरेटर करना और जो भी माइक्रो प्रोसेसर है टावर क्रेन है हेराइज बिल्डिंग में जो भी वर्क होता है उससे रिलेटेड है पेंडल में। अगर उसका एक्सपीरियंस हो तो पेंडल में अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार इंडस्ट्रियल रिलेशन एक पोस्ट आती है जिसमें साइट का जो भी IR डिपार्टमेंट होता है वो उसको हैंडल करता है। जैसे भी कोई भी लेबर कैम्प बनाना उसके लिए पहले वो क्या करता है गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। जो भी चीज़ें हैं उसके लिए उनको लाइसेंसिंग करके जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसके इन्वॉल्वमेंट करके एडमिशन से जो भी परमिशन लेना एक IR फंक्शन हमारा होता है।
से इन लोगों ने सब किया, आप इसमें किसमें से भी अगर आप ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो अपना पोजिशन होता है। और मैं चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो भी ये पोस्ट है वो पोस्ट सर आपको वो वर्किंग इंटरव्यू के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये रहा वर्किंग इंटरव्यू का लोकेशन दे रखा है, इस लोकेशन में जाइए और अपना इंटरव्यू कीजिए। ऑलरेडी वो लोकेशन में टाइम आपको क्वालिफिक हो जाइए और इंटरव्यू दीजिए। यहाँ पे आप इंटरव्यू देने के वर्किंग में जाएंगे तो आपको चार जगह रहता है, शॉर्ट लिस्ट रहेगा, बल्क में इनका रिक्वायरमेंट रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें तो साथ मंगानी होती है।